हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम प्रोसन। चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। राइटर का नाम है जेल फिंटस। ये बात हमेशा याद रखिए, चैप्टर का नाम याद रखना है अपन को और उसके राइटर का भी नाम याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये चैप्टर किस नाम से है या इस चैप्टर का राइटर कौन है। चलिए डिस्कस करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो। इस पर याद रखिएगा, ये जो बर्ड है लेंचो, ये जो बर्ड है लेंचो, ये जो बर्ड है लेंचो, इसको कुछ किताबों में लेंको बोला गया है तो कुछ में इसको लेंचो बोला गया। तो कंफ्यूज नहीं होना कि किस बर्ड को हम प्रेफरेंस करें या किसको हमें क्या देखना, इससे कोई मतलब नहीं है। आपको अपने सबसे ध्यान रखना है। तो वर्ड इज लेंको। हु रीड द लेटर सेंट बाय लेंको। लेंको के द्वारा जो पत्र भेजा गया था उसे किसने पढ़ा था? तो आप सबको पता है, हिज वाइफ, द पोस्ट मास्टर, द गॉड और हिज सन। हिज वाइफ और हिज सन जो थे वो उसकी फैमिली के थे। गॉड, गॉड को तो उन्होंने पत्र लिखा था, तो आंसर क्या रहेगा? द पोस्ट मास्टर। किसने लिखा था? द पोस्ट मास्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड। मैंने पहले ही बताया था आपको कि चैप्टर का नाम भी याद रखिएगा और उसके राइटर का नाम भी याद रखना है। तो कौन है? जी एल फिंटस। इसका आंसर क्या जाएगा? जी एल फिंटस। ये रहा पहला वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी वॉज अरेंज बाय द पोस्ट मास्टर। जब लेंको ने गॉड के लिए लेटर लिखा था तो उसकी आवश्यकता थी 100 पैसे की, लेकिन पोस्टमास्टर ने इसके लिए कितने पैसे अरेंज कर पाए थे? तो पोस्टमास्टर ने जो पैसे अरेंज किए थे उसका आंसर आएगा 70 पैसों। कितने किए थे? 70 पैसों। लेकिन वहीं उसने गॉड से कितने मांगे थे? 100 पैसों। तो याद रखिएगा, गॉड से मांगने पर 100 पैसों आएगा और पोस्टमास्टर ने जो अरेंज किए थे उसके लिए आएगा 70 पैसेस। क्या आएगा? 70 पैसेस। अगला क्वेश्चन, हाउ मच मनी डिड लेंको वांट। लेंको को कितने पैसे चाहिए थे? मैंने अभी बताया था कि उसको जो पैसे चाहिए थे वो कितने चाहिए थे? 100 पैसेस। कितने चाहिए थे? 100 पैसेस। और पोस्टमास्टर ने कितने भेजे थे? 70 पैसेस। तो दोनों का याद रखिएगा, पोस्टमास्टर से आएगा तो 70 पैसेस और गॉड के नाम से आएगा तो 100 पैसेस। अगला क्वेश्चन, लेंको हैड ग्रोन ब्लैंक इन हिज फील्ड। लेंको ने अपने खेतों में क्या बोया था? पहला ऑप्शन है बार्ले, बार्ले यानी जौ, बार्ले जौ, कॉर्न यानी मक्का, राइस चावल, वीट मतलब। तो क्या बोया था उसने अपने खेतों में? कॉर्न। क्या बोया था? कॉर्न। तो आंसर इज कॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज लेंको'स हाउस सिचुएटेड। लेंको का जो घर था वो कहाँ था? इन अ सिटी, गांव, शहर में, इन द फॉरेस्ट, जंगल में, बॉटम ऑफ द हिल, पहाड़ की तलहटी में यानी निचले स्थल पर, या टॉप ऑफ अ हिल या पहाड़ी की ऊपरी सतह पर। तो उसका घर था पहाड़ी की ऊपरी सतह पर। तो आंसर फोर्थ, टॉप ऑफ अ हिल। इसके बाद अगला क्वेश्चन, व्हाट डेस्ट्रॉयड लेंको'स फील्ड्स। यानी किसने, ये क्वेश्चन बनेगा किसने मतलब किसकी वजह से लेंकोस का जो फील्ड था वो बर्बाद हो गया था? तो लोकट्स यानी टिड्डियों के द्वारा, लिप्स पत्तियों के द्वारा, सॉल्ट, नमक या हेलस्टन। तो आप सबने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से जो हेलस्टन्स आए थे उसकी वजह से उसका पूरी जो फसल थी वो बेकार हो गई थी। तो आंसर हेलस्टन्स। क्लियर, याद रहेगा हेलस्टन्स। पोस्टमास्टर के द्वारा कितने थे? 70 पैसेस। और गॉड से कितने मांगे थे? 100 पैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, व्हाई डिड लेंको नीड मनी। लेंको को पैसों की जरूरत क्यों थी? तो हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि उसका पूरा फील्ड बर्बाद हो गया था, तो फील्ड बर्बाद होने की वजह से यानी घर में कुछ भी नहीं रहा था, तो सेम हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, यानी वो अपनी फैमिली जो थी उसको भूख से बचाना चाहता था, वरना उसकी पूरी फैमिली भूखी मर सकते थे। टू बाय अ ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, टू गो टू सिटी, टू हेड कैटल। नहीं, इसका आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट, वो क्या चाहता था कि अपनी फैमिली जो है उसको बचा सके। तो आंसर रहेगा टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर। नेक्स्ट,
लेंको रॉट अ लेटर। रेंको ने किसके लिए पत्र लिखा था? तो पत्र लिखा था किसके लिए लिखा था? पत्र लिखा था गॉड के लिए। तो आंसर इज गॉड। तो हमने सभी क्वेश्चन एक साथ देख लिए हैं।